Hello everyone, I hope you all are doing great. So in today's tutorial, let's make 4 amazing planters out of old planters. You know, hum sabke paas aise purane planters pade rehte hain. So in today's tutorial, we are going to revamp our old planters. And agar aap mere channel mein naye hain, do subscribe because you can learn a lot from this channel. So let's begin the video. सो सबसे पहला प्लांटर जो हम बनाएंगे दैट इज़ गोइंग टू बी विद पैटर्न स्टाइल. तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करने हैं, कुछ पैटर्न हमें ड्रॉ करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम गोइंग टू टेक दिस ओल्ड प्लांटर और इसके ऊपर हम सबसे पहले लगा देंगे जेसो. आप चॉक पेंट ले सकते हैं, आप घर में बनाया हुआ जेसो ले सकते हैं, यू कैन यूज़ एनीथिंग. सो आफ्टर कम्प्लीटली ड्राइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा. अब हम इसके ऊपर कुछ 2-3 अलग अलग कलर कर देंगे. कलर में यहाँ मैं येलो कलर ले रही हूँ, आप कोई भी एक्रेलिक कलर ले सकते हैं. यहाँ मैं इट्सी बिट्सी का येलो कलर लूँगी एंड देन नीचे की तरफ यहाँ मैं पिंक कलर लगाऊंगी. पिंक कलर इज़ फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर्स और इसी तरह से मैं नीचे की तरफ यहाँ ब्लैक कलर से पैटर्न बनाऊंगी. और जब भी हम इस टाइप के पैटर्न्स बनाते हैं हमें पैटर्न्स को थोड़ा दूर रखना है. बहुत पास बनाएंगे तो वो बिल्कुल नीट नहीं दिखता है. एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई वार्निश ऑन दिस. हमें इसमें ग्लू की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसके ऊपर वार्निश लगाएंगे. एंड देन आप इसे कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिए. ड्राई होने के बाद वी कैन डू अ गोल्ड वर्क, क्योंकि गोल्ड वर्क के ऊपर अगर हम वार्निश करेंगे तो वो उसकी शाइन कम कर देता है, राइट. तो इसी तरह से हम ये ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे और इसी तरह से बेस को भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूंगी ब्लैक कलर से. ऊपर हम इसे गोल्ड कलर से हाईलाइट कर देंगे एंड दैट इज़ इट. हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. अब जिससे हमें अपना प्लांटर हैंग करना है उसको भी मैंने स्प्रे पेंट कर दिया है एंड हमारा प्लांटर लगाइए एंड दैट इज़ इट. अ ब्यूटिफुल प्लांटर कुछ इस तरह से दिखेगा. सेकेंड प्लांटर हम बनाएंगे डेकोपाज टेक्निक से. ये मेरी फेवरेट टेक्निक है. तो इसके लिए भी सेम हम एक ही पुराना प्लांटर ले लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे जेसो. आप कोई भी वाइट कलर ले सकते हैं और जेसो है इट्सी बिट्सी से. इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड कंचन 5 आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा वहाँ से. सो एक बार जेसो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है आई एम गोइंग टू टेक दिस डेकोपाज नैपकिन पेपर और इसको हमें हाथ से ही टेयर करना है, हाथ से ही फाड़ना है हमें, ताकि इसके जो एजेस हैं वो अनइवन रहे. अब इसके पीछे क्या होता है, 2 लेयर्स होती है, वो भी हमें साथ में निकाल देनी है. उसके बाद आप कोई भी मॉड पॉज ग्लू लेकर आप इसे स्टिक कर दीजिए. स्टिक करने की टेक्निक यही है कि आपको पहले ग्लू लगाना है, ग्लू के बाद आप नैपकिन पेपर धीरे से ऊपर रखिए और फिर ड्राई ब्रश की हेल्प से आपको इसको धीरे धीरे आप इसे प्लांटर में स्टिक करते जाइए. सो एक बार वो स्टिक हो जाता है उसके बाद हम इसे इन्हांस करेंगे. एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा जो डेकोपाज नैपकिन पेपर है इतना इन्हांस नहीं है, इसमें फ्लावर्स इतने क्लियर नहीं है और बहुत ज़्यादा पैटर्न नहीं है. सो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज मैं इसमें थोड़ा सा और ड्राॅइंग और पेंटिंग करूँगी. जितने भी फ्लावर्स हैं उनको हम इन्हांस करेंगे और यहाँ पर जो बड्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा इन्हांस करेंगे. पहले आप कलर से बनाइए, उसे थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए. इट शुड लुक लाइक कि ये एक पेंटिंग है. एट दी एंड डेकोपाज वर्क ऐसा ही दिखता है कि वो एज अ पेंटिंग दिखता है. एंड इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं. एंड हल्के से स्प्लैशेस दे दीजिए. वेन एवर यू पुट लिटिल बिट ऑफ स्प्लैशेस यू कैन सी आपका वर्क कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. सो इसको सील करने के लिए पहले आप ग्लू और उसके बाद आप वार्निश लगा लीजिए. यहाँ मैं वार्निश लेने वाली हूँ इट्सी बिट्सी का, काफ़ी अच्छा वार्निश है. एंड काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मैम वार्निश लगाने से हमारी ब्रश खराब हो गए, प्लीज़ ट्राई दिस वन. इससे आपके ब्रशेज वगैरह कोई ख़राब नहीं होंगे एंड बस हमें इतना ही करना है. हमारा दूसरा ब्यूटिफुल सा प्लांटर भी हो गया है रेडी. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows. सो नाउ लेट्स मेक आ थर्ड प्लांटर. सबसे ईजी है ये, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हॉट ग्लू गन से थोड़ा पैटर्न बनाने हैं और स्प्रे पेंट करना है. तो इस तरह से मैंने ये हॉट ग्लू गन लेनी है. जब भी हम हॉट ग्लू गन यूज़ करते हैं इट शुड बी सुपर हॉट. जब वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो ही उसमें बहुत अच्छे से एक तो फ्लो आता है एंड पैटर्न हम कोई भी बना सकते हैं. सो मैं इस तरह से इसमें ये वाला पैटर्न बना दूँगी. पैटर्न एक बार कम्प्लीटली ड्राई हो जाए इट टेक्स अराउंड 5 to 10 मिनट्स. अच्छे से सूखने के बाद हम इसे इस गोल्ड कलर से पेंट कर देंगे. और काफ़ी बार क्या होता है हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम अपने प्लांटर्स को कैसे सुंदर दिखाएं, तो स्प्रे पेंट इज़ दी बेस्ट ऑप्शन. आप उसे कुछ मत कीजिए, सिर्फ आप गोल्ड सिल्वर या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्प्रे पेंट कर दीजिए एंड दैट इज़ इट. लास्ट प्लांटर मैं बनाऊंगी सीमेंट के लुक वाला प्लांटर.
तो ये आपको बिल्कुल सीमेंट का प्लांटर दिखेगा। तो इसके लिए सेम मैंने पुराना प्लांटर लिया है और उसके ऊपर हम बेस दे देंगे वाइट जेसो, चॉक पेंट, या आप कुछ भी वाइट बेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर ग्रे कलर लगा देंगे। ये वाला पर्टिकुलर ग्रे कलर ही होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रे कलर नहीं है, आप वाइट में थोड़ा सा ब्लैक मिलाइए, ग्रे कलर बन जाएगा। और फिर उसे हम स्पॉन्ज डैबर की हेल्प से जितने ब्रश स्ट्रोक से वो हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर स्प्लैशेस करने हैं ब्लैक और वाइट कलर से। दैट इज इट। और हमें कुछ नहीं करना है इसके लिए। सी काफ़ी हद तक ये बिल्कुल सीमेंट का लुक दे रहा है। और उसके बाद इसको सील करने के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई ग्लू और उसके बाद मैं वार्निश लगा दूंगी एंड दैट इज इट। हमें सिर्फ इतना ही करना है। एंड यू कैन सी ये बिल्कुल सीमेंट वाला लुक दे रहा है हमारा प्लांटर। और उसके बाद मैं इसमें ये प्लांट हैंगिंग लगा दूंगी एंड दैट इज इट। हमें सिर्फ इतना ही करना है। और इसी तरह से आप भी अपने पुराने जितने भी प्लांटर्स हैं उनको रीयूज कर सकते हैं, यू नो। एंड डू लेट मी नो आपका सबसे फेवरेट प्लांटर कौन सा है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आप कुछ भी ऐसा बनाते हैं, डू शेयर द पिक्चर्स विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम, फेसबुक। आई वुड लव टू सी योर वर्क एज वेल। सो मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।